दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं वेट लॉस की, टिप्स फॉर वेट लॉस, वर्कआउट फॉर वेट लॉस। अब चलो, वर्कआउट फॉर वेट लॉस पहले कैसे, जब आपने कभी नहीं किया और अभी शुरू किया है, और अगर आप करते हैं तब भी, अगर नहीं शुरू किया तो 10 बार ही करना है, दो दो तीन तीन सेट, अगर करते हो तो 20 20 30 30। चलो जी स्टार्ट जंप। अगर नहीं करते तो 10 10 3 बार ही, अगर अगर करते हो तो 10 10 20 20 या 30 30 3 बारी। रिलैक्स। अब स्पॉट रनिंग, एक एक मिनट, एक एक मिनट के 2 या 3 सेट, अपनी जगह पे ही खड़े खड़े दौड़ना है, एक एक मिनट के 2 या 3 सेट, एक एक मिनट, ठीक है। अब फॉरवर्ड बेंडिंग, अगर आप नए हो तो 10 10 के 3, क्योंकि इधर लोड आएगा, और अगर आप पुराने हो तो 30 30 के 3 या 4 सेट आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडमिल आपको पता ही है, 8 to 10 मिनट्स आप रोज करें अगर टाइम है तो। क्रॉस ट्रेनर आप कर सकते हैं 8 to 10 मिनट्स, लेकिन ट्रेडमिल की स्पीड रहेगी 6 to 7, बस 6 to 7, ठीक है, बेस्ट है वो आपके लिए। अब मैं नीचे लोअर एब्डोमिन पे भी बहुत बात होती है कि सर यहां से रिड्यूस हो गया और नीचे आ गया। चलिए डाइट चार्ट भी मैं प्लान दे रहा हूं, डाइट चार्ट साथ लगा हुआ है, देखना। चलो स्टार्ट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं 10 बता रहा हूं आपको, भी अगर करते हो 20 30, बाद में 40 तक भी जा सकते हो। फ्रॉग किक, फ्रॉग किक 1 2 3 लोअर एब्डोमेन के लिए, 4 5 6 7 8 9 10। अब किक बैक, देखो किक बैक। चलो जी, आपने आराम से पैर नीचे ले जाना है, मैं किक बैक कर रहा हूं आपको नीचे, ये आराम से ले जा रहा है, मैं जोर से कर रहा हूं, ये आराम से, तभी लोअर एब्डोमिन पे आपको आराम से ले जाना है, आपको आराम से ले जाना है, आपको आराम से ले जाना है। खड़े हो जाओ, अब डंबल साइड बैंड लो। शुरू में अगर आप कर रहे हैं, नए नए हैं, तो 20 20 के 2 सेट। चलो 20 साइड इधर 20 इधर, 1 2 3 4। डाइट चार्ट हम साथ साथ दिया हुआ है, आप देख लेना, और डाइट भी अपना, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, ठीक है। ऐसे अगर आप करते हैं तो फिर 40 40 40 इधर 40 इधर 50 इधर 50 इधर, 3 सेट, मतलब 100 100 के 3 सेट हो गए। अगर नहीं है तो 40 40 के 3 सेट, 4 सेट भी हो सकते हैं। ये वेट लूज प्लान है, अगर आप ये 20 से 25 दिन करते हो, टारगेट रखो कि मुझे ये करना ही करना है, और इसके बीच मैंने डाइट जो बताई है, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, किससे फैक्ट, मैंने खाना मना नहीं किया, आप समझ लो, कुछ चीजें खानी है, जो खानी है वो बता रहा हूं, जिनसे वेट इंक्रीज नहीं होगा, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, पर जो नहीं खाना वो मैंने बताया। कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, टुकड़ा खाते हैं, बोलते हैं हमने एक पीस बर्फी का खाया, पर कितनी कैलोरीज चलेगी। कभी कभी हम फ्रिज खोलते हैं, कभी हमने कोक या सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसा कुछ ले लिया, फिर वो सारी कैलोरीज कवर हो जाती हैं, या कार्बोनेटेड वाटर जो फिश वाटर होता है, कोई ड्रिंक पी ली। फिर मैंने ये बताया क्या पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, नीचे आप पढ़ भी लेना, तो आपको इसमें डाइट प्लान भी मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम और वर्कआउट भी डालते रहेंगे, पर पहले आप इनको, और मैंने पहले भी बोला है, वेट इज नॉट हियर, इट इज इन माइंड, इट इज ऑन माइंड, ये हमेशा यहाँ रहता है, गठरी दिखती नहीं है, आंखें बंद रहती हैं, आप ध्यान रखना। और आप फिर फ्रस्ट्रेशन में काम करते हो, गुस्सा आता है, गुस्सा अपने आप को आता है, कभी कभी हम शीशा भी देखना पसंद नहीं करते। वाई, जो आदमी अपना शीशा नहीं देख सकता वो क्यों, अब आप देखिए, आप आईना नहीं देख सकते, ये कितनी शर्म की बात है या नहीं, पक्की बात है ना। तो आप देखिए, जो आदमी आईना नहीं देख सकता, अपने आप को ड्रेसअप होते नहीं देख सकता, अपने आप से बात नहीं करता, कैसे जीता है। गॉड ब्लेस।